ये आंदोलन किस डेट को हुआ है आंदोलन आपको पता है? आप सवाल कर रहे हो क्या? कमाल कर रहे हो यार, ये होती है मीडिया के सवाल, ये मीडिया के सवाल है। महिलाओं का सम्मान, एक मिनट, महिलाओं का सम्मान, ये मीडिया का सवाल होते हैं, आंदोलन कैसे होता है? कृषि मंत्री से पूछो कैसे चलता है। चलो बात का सवाल क्या पूछना है, क्या सवाल? ये सवाल सबसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आलू कैसे उगता है। आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसानों के, उसमें आपने कभी हल पकड़ा है? इस देश के कृषि मंत्री जो है उसने हल पकड़ा कभी? अगर यहाँ पे हम लोग किसानों के समर्थन देना है तो हमें किसान होना पड़ेगा कि हम अनाज नहीं खाते? नहीं, मैं कह रहा हूँ हम अरे ना ट्रैक्टर चलाना, भैया चाय बनानी आती है भाई साहब, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये देश की जनता को लूटना जानते, कुछ नहीं आता। ये मैडम जो है ये गोदी मीडिया के सवाल है भाई साहब। अगर ये देश में, ये देश में किसानों के हित में बात करना चाहते तो यहाँ ये सवाल नहीं करते कि आलू कैसे उगता है। ये पूछते कि आपको परेशानी क्या है इस बिल से, ये पूछते कि आपको परेशानी क्या है, क्यों आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये सरकार कह रही है आप 3 तारीख को आइए। अरे भैया, सरकार से जनता है, जनता से सरकार है। सरकार जो है वो जनता की नौकर है और उसको ये सबक सिखाना पड़ेगा कि आप लोग जो है जनता के नौकर है, मालिक बनने का प्रयास मत कीजिए। 5 साल के लिए आपको कुर्सी पे बैठाया गया तो आप राजा नहीं बन गए हैं। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र यहाँ चलने नहीं दिया जाएगा। और ये जो आलू वाले सवाल आप पूछ रहे हैं ना, ये सवाल कृषि मंत्री जाके पूछिए कि उसने कभी हल चलाया है, बैठा ट्रैक्टर पे कभी? ये पैसा कमाने के लिए वहाँ पहुँच गया है ना ये सरकार, ये जो मीडिया बैठे हुए ना लोग, जनता के समस्याओं पर बात नहीं कर रही है क्या? कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? देखिए मैं बताता हूँ, समस्या पे बात पता किसकी हो रही है? जो समस्या उनको अंदर बैठ के हो रही है ना इन लोगों के रोड पे आने से, ये समस्या पे बात कर रहे हैं। उन्होंने बोल के भेजा, पूछिए आलू कैसे उगता है उनसे। उन्होंने बोला कि गेहूं कैसे उगता है, पूछिए। उन्होंने बोला आलू कैसे साफ होता है, पूछिए। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे गोदी मीडिया आके। ये सवालात यहाँ नहीं चलने वाले हैं, लोग जाग चुके हैं। ये किसान इतना बेवकूफ नहीं है, वेल एजुकेटेड है और आपको जवाब देना जानता है। ये जवाब जाके मैं बार बार बोलूंगा, बहन जी सुन रही होंगी, मैं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ, भीम आर्मी से हूँ। हमारे दादाओं ने, हमारे दादा के परदादाओं ने यहाँ से हल जोता है, उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया है और हमने जो है करके ही खाया, विरासत में कुछ नहीं मिला है, हमने करके खाया है। मनुस्मृति को जलाया, वो भी संघर्ष करके जलाया, विरासत में कुछ नहीं मिला, कमाया हमने और हम नहीं बताएंगे। और ना आलू छीनने वाले हैं, अब ना करने वाले हैं, किसान के बेटे हैं। क्या लगता है गोदी मीडिया किसी एजेंडे के साथ यहाँ पर आई? बिल्कुल आ रही है भाई साहब, बिल्कुल। अब देखिए एक चीज है ना, अब इस देश में आप चौथा स्तंभ है, अब इस देश में अगर आप चौथा स्तंभ है, आप नहीं तो सवाल उठेंगे आप पे, तो इसीलिए आपको भेजा तो जा रहा है। लेकिन सवाल जो है वो यहाँ फिट है कि क्या पूछना है, बस किसी के हित की बात तो पूछनी नहीं, बस पूछ लेना है कि जाके आलू कैसे उगेंगे। यार कमाल कर रहे हैं, कहाँ का लोकतंत्र है, मैं समझ नहीं आ रहा। हमारे समर्थन में कांग्रेस आ जाए तब दिक्कत, जब कोई लोक दल आ जाए तब दिक्कत, भीम आर्मी आ जाए तब दिक्कत, ये अब उधर से अकाली दल आ गया, अकाली दल तो उसी का ही था, वो आ जाए तो खालिस्तान। तो इसमें ये भी तो है, जब समर्थन देने दो, अच्छा ये मांग ही तो है, ये मांग मान लो MSP उसमें प्लस कर दो, तीनों विधेयक में। अरे भाई ये क्यों नहीं मान रहे आप, उसको करते नहीं जो चीज है। भाई एक एक पूछो, यहाँ बताओ, बताइए सर क्या पूछ रहे हैं, क्या गोदी मीडिया क्या करता भी करेगी सवाल आलू कैसे उगता है? भाई उन्हें क्या पता, जो सरकार करेंगे फिर आलू का बीज ले जाएंगे, फिर बेच करेंगे। हमें किसानों से पूछ, एक मिनट, जिन्होंने ये 3 कानून बनाए हैं उनका तो, उन्हें तो पता ही नहीं आलू क्या चीज हो यार। वे खाते हैं बर्गर, वो पता नहीं पिज्जा, उन्हें क्या पता आलू क्या चीज हो। तो जिसको पता है उसको कमेटी में रखते तब कानून बनाते, ऐसे आदमी को कमेटी में लेना चाहिए। जिस आदमी को कोई पता ही नहीं उस पे कानून बनवा दिए, और कानून ऐसे बनवा दिए, किसान पहले से ही कमजोर है, उसकी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, किसान के पास पैसा ही नहीं छोड़ना। 2 कारपोरेट सिस्टम चला रही है अब जो सरकार, एक तरफ मजदूर को रखना चाह रही है, एक तरफ कारपोरेट घराने को। ये जो मंडी समिति खत्म कर रही है, सीधी सी बात है कि MSP सभी फसलों की MSP का निर्धारण हो, और उससे कम पे यदि कोई किसान की फसल को खरीदता है तो किसान को राइट मिले कि वो उसके खिलाफ FIR कर सके, मुकदमा दायर कर सके, ये उसके खिलाफ हो जाना चाहिए। सुनते ही नहीं, जोन की प्लस करनी है सुनते नहीं, इसे कर दो। और जैसे आंदोलन आज ही खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, आज ही खत्म हो जाएगा भाई साहब। उत्तर प्रदेश के हालात ये है कि गन्ने के पेमेंट की घोषणा 14
14 दिन में की थी और 14 दिन का तो दूर दूर तक आता, दो दो तीन तीन महीने हो गए, कोई पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो रही। आप लोग दिखा रहे किसानों के दर्द को, इससे अपने जो मेन पॉइंट है उससे हटके मैं आपको बता दूं, आप ये जो पॉइंट दिखा रहे हो ना अपने चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ये आप लोगों का हम बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि जो टीवी वाली मीडिया है वो तो सारी बिकी हुई है, वो तो कुछ दिखाती नहीं। वो तो वाले भी आए थे अभी यहाँ, सुदर्शन आओ वाला चैनल सबसे बेकार, देखिए सुदर्शन आओ, 100 चैनल आओ, 50 चैनल आओ, ये सब बिके हुए हैं, सबसे बेकार। जिहादी वो बताता है, खालिस्तान वो बताता है, उसको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं पता, उसे किसानों का दर्द दिखता ही नहीं। यहाँ भी आकर क्या हमें नहीं पता कि कौन हमारे समर्थन में कौन नहीं है? एक मिनट, हम आपको बताते हैं एक बात इन सब बातों का एक ही बात है, हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश किसान कोई से भी प्रांत का हो वो किसान किसान है। हाँ। ना उसमें कोई मजहब की बात कोई है, इतना घर से फ्री नहीं है किसान अपने दुख दर्द को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुआ है। इन प्रांत की बात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात ये है कि सारे हिंदुस्तान का किसान एक है, और यहाँ से जो मुद्दा है वो कोई धर्म का और या कोई किसी मजहब का विशेष का नहीं है, यहाँ मुद्दा सिर्फ मजदूर और किसान की पीड़ा का है, इसकी फसल का दाम सही मिले, ये जो राइट इन्होंने कानून बनाए उनमें संशोधन करें। और रही दूसरी बात, सरकार अपनी विफलता को छुपा रही है, सरकार जब भी कोई बात लेके आती है वो अपनी विफलता को पीछे रख देती है और कहीं ना कहीं जो भारत की जो जनता है इसका माइंड डाइवर्ट कर देती है। सबसे बड़ा मुंह खाए खड़ा है मजदूर किसान परेशान, दूसरे नंबर पर जो बेरोजगार है, जो आज का यूथ है उसके पास रोजगार नहीं है, उस मुद्दे पे तो सरकार बात नहीं करती। क्यों उस, ना ना ये जो उनसी मीडिया है, जो उनसी बिकाऊ मीडिया टीवी वाली है या ऊपर मीडिया सीधा गोदी मीडिया या डकैत मीडिया जो भी है या उस मुद्दे पे तो बात ही नहीं करती, कभी कहती है कोई सा मुद्दा उठा ले, कभी कहते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत का दिखा रहे टीवी पे, 6 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत चला, एक लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, किसान का भी एक किसान का दर्द नहीं दिखाया। जो शहीद हो गए बॉर्डर पे उनकी पत्नी जो विधवा होगी उनके बच्चे जो होंगे उनके बारे में नहीं दिखा रही, सिर्फ सुशांत दिखा रहे, एक सुशांत ही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बाकी और आवाम नहीं है। तो ये भैया बिकी हुई है, टीआरपी चाहिए, पैसे की भूख है, भूखी हो रही सारी, इनके सबके टाइम आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। अहमद पटेल जैसे अधिकारियों के टाइम आ गए थे जिन्होंने सवयात्रा नहीं निकलने दी थी पीवी नरसिम्हा राव की, और बाद में कोरोना काल में उसके शरीर को देखने की भी किसी को इजाजत नहीं थी, ऐसा ही इनके साथ होगा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा ऐसा ही वो होगा। आम के पेड़ पर अमरूद लग ही नहीं सकता, गेहूं के खेत में ज्वार नहीं हो सकती, तो जैसा ये करेंगे ऐसा ना भरना पड़ेगा। ये जो किसान और मजदूर आज सड़कों पे है ये दुखी है, ऊपर वाला भी तो देखता है, एक आदमी बगैर एक गोली लगने से नहीं मर रहा, एक खड़ा खड़ा मर रहा, तो ईश्वर तो शक्ति कहीं ना कहीं है, इन्हें गद्दी दी है जनता की भलाई के लिए, कानून ऐसा बनाओ जनता त्रस्त ना हो, जिस राज्य की प्रजा दुखी हो उसमें कभी भी विकास कार्य कोई भी राजन नहीं कर सकता, उसका पतन होगा, उसका ऐसा पतन होगा कि ना राजपाट रहने का और ना उसका कहीं नामो निशान रहने का। ठीक है, ठीक है।